हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने थंबनेल कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना पिक्सआर्ट ऐप ओपन करेंगे, एडिट आ फोटो में जाएंगे, फिर एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले आएंगे, इसको HDR लुक देंगे। हम इसे HDR लुक तब तक देंगे जब तक ये थोड़ा उभर के ना आए। हमने पहले एक बार दिया, फिर ये दूसरी बार देंगे। अब इसका थोड़ा अनशार्प को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि अनशार्प में कुछ ज़्यादा ही उभर के आ जाता है तो बेकार सा लगता है। होने के बाद अब हम जाएंगे सीधा पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट एडिट करते हैं। यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे, काटेंगे और अपना सॉन्ग का नाम लिखेंगे। मेरा सॉन्ग का नाम सहारा है, SAHARA। टाइप करना है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब नीचे ए का एक आइकन है, ए पे जाके फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट पे आने का माई फॉन्ट है, ये फॉन्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने फॉन्ट चूज़ करा, ओके। ओके करने के बाद अब ये थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, तो हम इसमें स्ट्रोक और शेडो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक ऐड करते हैं, उसके बाद हम शेडो ऐड करेंगे। हम नीचे से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट को अल्ट्रा पे कन्वर्ट करके सेव टू द गैलरी कर देंगे। अब हम अपना वापस से खोलेंगे पिक्सआर्ट ऐप। अब यहाँ पर स्टिकर्स पर जाएंगे, क्योंकि स्टिकर्स में मतलब ये नीचे हाथ दिख रहा है ना, तो ज़्यादा ग्लो आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। स्टिकर्स पर आके हम सर्च करेंगे ब्लैक इफेक्ट। यहाँ ब्लैक इफेक्ट सर्च करना, जैसे ब्लैक इफेक्ट सर्च हो जाएंगे तो काफ़ी सारे सैंपल्स आते हैं, उनमें से हमें एक ग्रेडियंट वाला सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें मतलब आधे फ़ोटोज़ पे लेकर आना है उसको नीचे की साइड, ताकि थोड़ा सा ब्लैक स्टोन आ जाए वहाँ नीचे ग्रेडियंट टाइप का। जैसे वो कंप्लीट हुए, अब इसके बाद हमें ऐड फ़ोटोज़ पे जाना है और अपना जो टेक्स्ट एक्सपोर्ट करा था उसे इम्पोर्ट करना है इसमें सहारा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करना है, ताकि थोड़े बड़े बड़े से टेक्स्ट हैं हमारे पास। होने के बाद अब यहाँ पे हम इसे शेडो दे देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मतलब बाहर होकर आए, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा बाहर है। सबसे इजी वे है वैसे ही, आपको यूट्यूब पे इससे इजी मेथड और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब इसे हम थोड़ा पोजीशन दे देंगे, ताकि ये पीछे जाए एकदम। सहारा मतलब सहारा के हल्का सा नीचे होना चाहिए और एकदम मतलब सहारा में घुस जाना चाहिए। और यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे। होने के बाद अब हम वापस जाएंगे अपने पिक्सल लैब में। वहाँ पे हम जाके अब FT थेनोस, मैंने थेनोस पे बनाया था थंबनेल, तो थेनोस लिखेंगे हम यहाँ पे। मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पे अभी माइक नहीं है, तो मैं अपने ईयरफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब। इसको भी हम वही सेम फॉन्ट देंगे जो फॉन्ट हमने पहले भी दिया था। माई फॉन्ट्स में जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करके अब इसको भी वही स्ट्रोक और शेडो निकालेंगे इसमें से। निकलने के बाद अब फिर इसे ट्रांसपेरेंट करके एक्सपोर्ट कर लेंगे इसमें से। एक्सपोर्ट होने के बाद हम वापस से जाएंगे अपने पिक्सआर्ट ऐप में। पिक्सआर्ट ऐप ओपन करते ही वापस हम ऐड फोटोज़ में जाएंगे और उसको वापस से ऐड करेंगे, जो हमने जो एक और जो टेक्स्ट लिया था। अब उसको नीचे लाके छोटा सा कर देंगे थोड़ा, ये काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो गया तो अच्छा से लग रहा है। हल्का छोटा करके एक साइड में कॉर्नर पे ले आएंगे। अब इसकी भी हमें शेडो निकालनी है। सिलेक्ट करेंगे हम उसे, शेडो पे जाएंगे। शेडो पे क्लिक करके अब ब्लर को थोड़ा सा 29 पे और एपोसिटी को 100 पे, हॉरिजॉन्टल को हमेशा 100 पे रखना और वर्टिकल को 102-104 पे रखना हमेशा, वो ज़्यादा सही रहता है। अब एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ब्राइटनेस फुल कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट भी फुल कर देंगे, क्लैरिटी को 30-27 के बीच में रखना है, सैचुरेशन को फुल करना है बस। यहाँ पे ऊपर टिक करेंगे, अब ये हमारा काम हो गया। अब स्टिकर्स जाएंगे, अब यहाँ पे हम साइड से कॉर्नर से थोड़े से ग्लो इफेक्ट देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाइट ग्लोइंग इफेक्ट। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो सर्च करते ही यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट आ जाएंगे। मेरा ये डाउनलोड हो रहा है गाइस। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं पहली बार किसी वीडियो पर अपने वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो मुझे कमेंट में बताना कैसी है वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो अगर आगे और चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो भी बनाऊँगा।
अब हम यहाँ पे वाइट स्टार एक टाइप का ले लेंगे, हम उसे एकदम कॉर्नर पे ले जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हो सके तो इसकी ऑपोसिटी हल्की सी कम करेंगे, हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा ग्लो अच्छा नहीं लगता ना। फिर एक और स्टिकर्स पे जाएंगे, ये लेफ्ट पे हो गया, अब राइट पे एक और लेके जाएंगे हम, ये राइट पे आ जाएगा। राइट नीचे ले लो या ऊपर ले लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके थंबनेल देख लेना, वो आपको जहाँ से ग्लो देना हो वहाँ से अच्छा लगेगा। अब इसकी रेड रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो हल्का सा ओपेसिटी कम कर देंगे। कम करने के बाद ये हमारा आधा काम पूरा हो चुका है। अब हमको बस थंबनेल को मतलब अब ग्रेडियंट लुक देना है लाइट रूम में जाके। यहाँ से अब हम इसे सेव करेंगे। मैंने एक और बार यहाँ पे HDR लुक दिया, क्योंकि वो सब स्टिकर लगाने के बाद थोड़ा सा मतलब फीका फीका सा लगने लग गया था, तो हम यहाँ पे सेव करेंगे इसे। सेव करके अब हम अपना खोलेंगे लाइट रूम ऐप। गाइज वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब हम यहाँ ऑल फोटोज़ पे जाएंगे, अपने फ़ोटो को इसमें इंपोर्ट करेंगे। ये री, अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे लाइट ऑप्शन पे। लाइट पे क्लिक करती कर्व दिख रहा है, कर्व को हल्का सा नीचे कर देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देना। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को हम लेकर आएंगे 40-30, ये 30 से 40 के बीच में रखना कॉन्ट्रास्ट को। हाईलाइट्स को भी वही रखना 30-40 के बीच में। शेडो को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपकी वीडियो पे ज़्यादा ब्लैक स्टोन है तो आप माइनस में ले जाओ, मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक है ज़्यादा, तो मैंने 30 रखा है। अब वाइट्स को हम जाएंगे, वाइट्स को हम प्लस में ले जाएंगे, माइनस में ले जाओ या प्लस में ले जाओ आपका देख लेना। 27 मैंने रखा है, ब्लैक को माइनस में ले गया मैं 25। अब हम जाएंगे सीधा डिटेल पे, आगे थोड़ा बनवाएं डिटेल, हम थोड़ा शार्प कर देंगे इसको ताकि थोड़ा सा मतलब निखर के आए हर चीज़। शार्प करना, मास्किंग हमें दो उंगली से पकड़े करना है, एक उंगली से हमें उसे होल्ड करना है और दूसरी उंगली से हमें आगे बढ़ाना है। जब हमारा जब वाइट कलर जब हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाए तब हमें उसे छोड़ना है और नीचे आके हल्का सा नॉइस रिडक्शन कर देना है, जिससे थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा टेक्स्चर। करने के बाद यहाँ का काम हो गया, अब हमें बगल में आना है, उसके इफेक्ट का ऑप्शन है, अब हमें टेक्सचर देना है। टेक्सचर मैंने इसमें दिया है 24, क्लैरिटी मैंने दिया है 34, डीहेस को मैं माइनस में ले जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ग्लो चाहिए, ज़्यादा डार्क सा हो गया है। -3, विग्निटी को मैं अब थोड़ा सा कम करूँगा, विग्निटी में ले जाऊंगा -19 या थोड़ा सा और, -19 ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ था कि बीच में से थोड़ा सा ग्लो रहा है। फैदर मैंने 57 का दिया, राउंडनेस आपकी मर्जी है देना है तो दीजिए, मैंने हाईलाइट हल्का सा बढ़ाया और ग्रेन थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो गाइज ये हमारा थंबनेल बन के रेडी है, एकदम पहले ऐसा था, बिफोर और ये आफ्टर है। अब देखो मतलब हर एक चीज़ डिटेल में दिख रही है, पहले थोड़ा मतलब इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, अब ज़्यादा ठीक है। तो गाइज हम इसे सेव करना है और गैलरी में आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइब करा दो, तब तक के लिए बाय बाय।